कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने के लिए दुनिया भर में इन दिनों एक नया प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि वैश्विक महामारी के इलाज की अभी तक दवा या वैक्सीन दुनिया में सामने नहीं आई है, लेकिन आज ज्यादातर लोग इससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में अमेरिका, जर्मनी समेत कई देश 3D मास्क बना रहे हैं और लोगों के बीच ये मास्क मुफ्त में बांट भी रहे हैं। तो चिकित्सा सुविधा से जुड़े लोग स्कूबा डाइविंग मास्क को वेंटिलेटर की शक्ल देकर अस्पतालों की मदद कर रहे हैं। 3D प्रिंटेड मॉडल का पहला प्रयोग अस्पताल के स्टाफ पर किया गया। इस दौरान उसे अन्य मरीजों के लिए बिल्कुल उपयोगी पाया गया, जिसके बाद इमरजेंसी में चिकित्सा सुविधा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी तक तकनीक को मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है,